वेलकम सिद्धपुरा कंपनी और टैपेक्स टैपिंग मशीन कंपनी, ये हमारी 50 साल पुरानी कंपनी है। तो हम ये 50 साल से ड्रिल मशीन, टैपिंग मशीन, ड्रिलिंग कम टैपिंग, ड्रिलिंग कम मिलिंग, मैग्नेटिक ड्रिल, मैग्नेटिक टैपिंग, मल्टी स्पिन और पीसीडी टाइप, ऑटोमेटिक टाइप पीसीडी ड्रिल मशीन बनाते हैं और सीएनसी पीसीडी ड्रिल मशीन भी हम बनाते हैं और स्पेशल पर्पस मशीन भी हम ड्रिलिंग और टैपिंग बनाते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको 12 mm का टैपिंग मशीन। ये 12 mm का टैपिंग मशीन है जिसमें 3 mm से लेके 12 mm तक का टैपिंग होता है। तो आज हम आपको बताएंगे ये 3 mm से लेके 12 mm तक का टैपिंग कैसे होता है और उसका मशीन का पूरा कंस्ट्रक्शन समझाएंगे और टैपिंग के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है छोटे मोटे उसके रिलेटेड हम बात करेंगे और समझाएंगे। तो आप हमारी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो आपको रेगुलर अपना वीडियो मिलते रहेंगे। ओके, तो हम बात करते हैं टैपिंग मशीन की। तो ये टैपिंग मशीन जो है वो 12 mm का टैपिंग मशीन है जिसमें यहाँ पे ओरिजिनल सिलिकॉन लाइनर क्लच सिस्टम दिया गया है जिसकी 1 साल की फुल गारंटी देते हैं हम लोग। अंदर पूरा सिलिकॉन लाइनर क्लच सिस्टम रहता है और यहाँ पे अंदर पे मशीन पे अंदर टाइमिंग बेल्ट रहता है, इनबिल्ट टाइमिंग बेल्ट रहता है जिसके कारण स्लिपेज का प्रॉब्लम नहीं रहता और आपको पूरा हैवी ड्यूटी काम मिलता है। और तो कंस्ट्रक्शन में बताएंगे कि यह मशीन में यहाँ पे इनबिल्ट कूलन फैन सिस्टम रहता है और यहाँ पे क्लच सिस्टम पूरा रहता है। इस पे 2 क्लच सिस्टम रहता है, एक फॉरवर्ड क्लच और नीचे रिवर्स क्लच रहता है। और ये जो स्पिंडल काउंटर शाफ्ट वो ईएनएड हार्डन ग्राइंडिंग टाइप रहती है। और सबसे बड़ी बात, ये मशीन में हमने ये एंटी वाइब्रेशन सिस्टम दिया गया है स्पिंडल में जिसके कारण वाइब्रेशन नहीं आता और टैप टूटने का चांसेस 0% रहता है। टैपिंग में यहाँ पे डेप्थ सेटिंग का प्रोविजन दिया गया है, तो यहाँ पे आप अपनी तरफ से डेप्थ सेटिंग भी कर सकते हैं, वो भी प्रोविजन दिया गया है। और टैपिंग का एक्यूरेसी स्पिंडल का चेक करने के लिए यहाँ पे डायल इंडिकेटर लगा के हमने इसका एक्यूरेसी भी हम लोग चेक करते हैं, उसके बाद मशीन को डिस्पैच करते हैं। टैपिंग मशीन का यूज की बात करें तो ये आईडी में टैपिंग करने के लिए यहाँ पे अभी टैप लगाया है, तो इसमें आईडी में भी टैप कर सकते हैं, ओडी में भी टैप कर सकते हैं। और ये पूरा बॉडी यहाँ से मूविंग होता है, 360 डिग्री में रोटेट होता है, तो यहाँ पे बड़ा प्लेटफॉर्म रख के भी उसके ऊपर आप बड़ा जॉब भी टैपिंग कर सकते हैं। और सपोज कभी स्क्रूविंग भी करना हो, ड्रिलिंग करना हो, तो भी ये मशीन में आप कर सकते हैं। तो आज हम आपको वो भी बताएंगे कि वो सब कैसे करते हैं। सबसे पहले मशीन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मोटर लगा के मोटर पुली को बोरिंग करके उसको अलाइनमेंट करना चाहिए। पूरा अलाइनमेंट करने के बाद यहाँ पे मोटर लगाया है और यहाँ पे इसका 3-phase कनेक्शन दिया है हमने स्विच में और स्विच से कनेक्शन दिया गया है वहाँ पे सप्लाई में। और यहाँ पे इसका डेप्थ सेटिंग का प्रोविजन दिया गया है, तो ऊपर का पहले स्टड एकदम पूरा ऊपर खोल देना है जिसके कारण एकदम रिलीव हो जाए और यहाँ से फिर उसका डेप्थ सेटिंग करना है, तो डेप्थ सेटिंग भी यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपको कोई लोड प्लस माइनस करना हो तो वो भी हम आपको समझाएंगे कैसे करना है। अभी हम आपको दिखाएंगे इसमें ड्रिलिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ज़्यादातर ड्रिलिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी क्रिटिकल टाइम पे आपको ड्रिलिंग करना है तो ड्रिलिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप ड्रिल बिट्स लगा दीजिए और मशीन को हमेशा यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है वही डायरेक्शन में चालू कीजिए। तो ये डायरेक्शन में चालू किया हमने और यहाँ पे हम ऐसे प्रेशर देके आप ड्रिलिंग कर सकते हैं। देखिए ड्रिलिंग हो रहा है। होने के बाद इसको टैपिंग कैसे करना है वो हम बताएंगे। तो यहाँ पे इसका डेप्थ सेटिंग करना है, यानी कि जितनी डेप्थ में टैपिंग करना है तो यहाँ से इसको डेप्थ सेटिंग कर सकते हैं। तो ये डेप्थ सेटिंग कर दिया है हमने यहाँ पे, तो ये डेप्थ सेटिंग कर दिया है। और जितना हो सकता है जॉब और टैप के बीच का डिस्टेंस कम रखना है यहाँ पे, जिसके कारण अपने को एक्यूरेसी जितना चाहिए अच्छा वो मिल सकता है। तो अभी हम बताएंगे आपको यहाँ पे टैपिंग कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले हम मशीन को स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो मशीन को अपनी ये डायरेक्शन में स्टार्ट करना है, तो ये डायरेक्शन में अभी स्टार्ट हो गया। अभी यहाँ पे टैपिंग कर रहे हैं, देखो यहाँ पे उसको लॉक कर दिया है, तो ये टैपिंग हो गया। अभी देखो यहाँ पे ये डेप्थ सेटिंग हो गया और यहाँ पे मशीन रुक जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा हल्का सा ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो वो रिवर्स होकर बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे ही देखो
रीटैप भी कर सकते हैं। रीटैप करने से भी कोई उसमें टैप जो रहता है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती और जो उसका थ्रेड रहता है वो डैमेज नहीं होता, ये इसकी खासियत रहती है। और जब भी कोई ब्लाइंड टैपिंग करना हो तो उसके हिसाब से ब्लाइंड के हिसाब से यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। तो ऐसे ब्लाइंड टैपिंग भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे सेट हो गया, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ पुश करना है, हल्का सा पुश करना है तो वो रिवर्स होकर बाहर निकल जाएगा। और कभी कभार ये भी ऐसा लगता है कि भाई मशीन सीधा नहीं घूमता, उल्टा नहीं घूमता, तो मशीन को ये डायरेक्शन में स्टार्ट करना है जिसके कारण वो कोई डायरेक्शन का कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, सबसे पहले माउंट करने के लिए यहाँ पे इसके चार बोल्ट की दिया है, तो अच्छी ओरिजेंटल शाफ्ट के ओरिजेंटल सरफेस के ऊपर हम उसको माउंट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो चक दिया है तो यहाँ पे इसका जो वार्निश है रहता है तो वो केरोसिन से अच्छी तरह से पेट्रोल केरोसिन से साफ करके ये ड्रिल चक लगा सकते हैं। और अंदर से यहाँ पे एलेंकी बोल्ट दिया गया है तो ये अंदर से एलेंकी बोल्ट भी निकाल के फिर ये चक भी निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि टैपिंग का ये स्पिंडल रुक जाता है और मशीन ये पुली घूमती रहती है तो उसको लोड बढ़ाना पड़ता है, तो वो यहाँ से लोड बढ़ा सकते हैं। तो मशीन का लोड बढ़ाने के लिए यहाँ पे देखिए ये दोनों तरफ पेडिसल दिए गए, यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये पेडिसल के ये दो बोल्ट हैं वो पहले लूज करना है। और ऐसे ही यहाँ पे भी पेडिसल है तो इसके भी बोल्ट यहाँ पे लूज करके फिर ये नट्स को हम लूज करेंगे। और जो भी लूज करेंगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टर्न लूज किया तो यहाँ पे भी एक टर्न लूज करेंगे, ऐसे लूज करेंगे तो एक सिमेट्रिकल वो लूज होगा अंदर का बेल्ट और वो लोड आप कम कर सकते हैं। और लोड बनाना है तो ये नट टाइट कर सकते हैं और ये सब करने के बाद ये फिर बोल्ट अपनी तरफ से टाइट कर देना है। कभी कस्टमर की ऐसी भी कंप्लेन होती है कि भाई मशीन उल्टा नहीं घूम रहा है, तो ऐसे आइडल पोजिशन में ये मशीन उल्टा नहीं घूमता। जब हैंडल को हम पुश करते हैं और यहाँ पे जब टैप लगता है तो एंटी फोर्स लगेगा और ये हैंडल ऊपर की तरफ पुश होगा तभी वो रिवर्स घूमता है। तो भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक करने के लिए यहाँ पे कोई सपोर्ट, यहाँ पे लकड़ी का टुकड़ा रख के ऐसे ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो ये रिवर्स घूमेगा। देखिए अभी ये रिवर्स घूम रहा है, देखो ये रिवर्स घूम रहा है, ये फॉरवर्ड, ऐसे ही इसको रिवर्स घुमा सकते हैं। तो इसको फॉरवर्ड और रिवर्स घुमा सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट रख के। अभी कभी ऐसा भी होता है कि इसका टैपिंग का लेंथ लंबा हो, सपोज समझो कि 30 mm 40 mm तक डेप्थ में टैपिंग करना हो तो एक साथ 40 mm तक नहीं करना चाहिए। तो पहले क्या करना चाहिए, ये सपोज समझो कि यहाँ पे 40 mm का सेट किया है हमने, तो पहले हम हाफ हाफ तक करेंगे फिर ऊपर की तरफ पुश करके थोड़ा बाहर निकाल लेंगे फिर दूसरी बार करेंगे, ऐसे दो बार करेंगे ना तो वो आर पार हो जाएगा। ऐसे टू स्टेप टैपिंग भी कर सकते हैं इसमें, तो ऐसे टू स्टेप टैपिंग भी कर सकते हैं। और सपोज कभी हमें यहाँ पे कोई जॉब है उसकी ओडी में टैपिंग करना है तो यहाँ पे डाई लगा सकते हैं, यहाँ पे डाई लगा के यहाँ पे जॉब रख के वो ओडी में भी टैपिंग कर सकते हैं। सो कभी कभी कस्टमर को टैप टूटने का ये प्रॉब्लम रहता है तो उसको जॉब यहाँ पे फिक्स होना चाहिए। अगर जॉब फिक्स रखे नहीं रखते और उसको लूज रखते हैं तो वो टैप टूटने का चांसेस रहता है। या फिर ऐसा कोई फिक्चर, स्लाइडिंग फिक्चर्स भी यूज कर सकते हैं कि एक साइड पे वो जॉब को धकेलते हैं यानी कि पुश करते हैं और दूसरी साइड से निकल जाता है, तो ऐसा भी फिक्चर यूज कर सकते हैं। अगर छोटा जॉब रहा तो वाइस का भी यूज कर सकते हैं, वाइस में भी जॉब को लगा के वो टैपिंग कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारी टैपिंग के ये प्रॉब्लम का ये आपको सॉल्यूशन दिया है। तो ये हमारा समझो कि 12 mm का टैपिंग मशीन है। तो आप वैसे ही हमारी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको रेगुलर हमारे वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक्स फ्रॉम सिद्धपुरा। थैंक यू।